हेलो फ्रेंड्स जय श्री महाकाल मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए भारत का इतिहास से सौ क्वेश्चन लेके आया हूं मैंने भारत के इतिहास से सौ क्वेश्चन लिए दोस्तों ये जानने के लिए कि आप अपने भारत के बारे में कितना जानते हैं और कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है फ्रेंड्स तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो की जानकारी के लिए शिप्रा तेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स ताकि आपके पास सीधे आपके मोबाइल पर जानकारी मिलती रहे चलिए दोस्तों हम लोग आज का अपना वीडियो चालू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी अब दोस्तों जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं इतनी देर में आप लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए मैंने चार ऑप्शन भी दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए जैसे बच्चे बोलते हैं ऑप्शन भी दीजिए सर तो मैंने चार ऑप्शन भी दिए ठीक है तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक आपका आंसर भी आ जाना चाहिए ठीक है तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की कि खोज किस वर्ष में हुई थी तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है बिल्कुल सही 1921 में हुई थी किसने की थी दयाराम साहनी ने की थी ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अठारह में किसने किया मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अठारह में किसने किया तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर है एम ने ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अठारह में ए में एओ यूम ने किया था अगला सवाल गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया था ये तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया था तो आंसर है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जी हां दोस्तों डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का खिताब दिया था अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिरों का संबंध निम्न में से किससे है बौद्ध धर्म जैन धर्म हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स इसका आंसर है फ्रेंड्स जैन धर्म और हिंदू धर्म खजुराहो के मंदिरों का संबंध जैन धर्म से भी है और हिंदू धर्म से भी है इस चीज का ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे केवल हिंदू धर्म टिक करके आ जाएंगे आंसर जैन धर्म भी है साथ में दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा अगला सवाल अंत्योदय धारणा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों प्रवर्तक का मतलब यहां पर प्रमोटर होता है ठीक है और अंत्योदय उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बीपीएल होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन ठीक है तो अंत्योदय धारणा के प्रवर्तक जयप्रकाश नारायण है ठीक है अगला देखते हैं भारतीयों ने पहली बार डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया था दोस्तों मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि पे आप, आप लोगों का आंसर जो है वो आप लोग लगा रहे होंगे 15 अगस्त उन्नीस जो कि गलत है दोस्तों मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता रहता हूं कि जब आप एग्जाम देते हैं या एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दें ठीक है क्या किस पे ध्यान दें क्वेश्चन जो पूछा गया है उस पर ध्यान दें क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन पूछा है कि भारतीयों ने पहली बार डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया था क्वेश्चन में यह नहीं लिखा गया है कि भारत आजाद कब हुआ था ठीक है तो भारतीयों ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में आ चुका क्वेश्चन है सौ में से निन्यानवे बच्चे टिक करते हैं और वो गलत हो जाता है केवल वो एक बच्चा जब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता है वही उसका आंसर सही करता है दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े कि क्वेश्चन में क्या पूछा है ठीक है कॉम्पिटेटिव में इतने आसानी से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे फ्रेंड्स ठीक है तो भारतीयों ने पहली बार जो है वो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 26 जनवरी 1930 को ऐसा क्या था कि 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था पहली बार तो दोस्तों मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन का आपको डिटेलिंग दे रहा हूं और बाकी के जो सो क्वेश्चन है उसकी डिटेलिंग नहीं दूंगा ताकि आप लोग पहले तो इसको समझें कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है ठीक है बाकी सारे जैसे जैसे क्वेश्चन तो जवाब मैं आपको देता हूं कि 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया था दोस्तों हुआ यूं था कि दिसंबर उन्नीस में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया। इसके मुताबिक हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को आजादी का दिन मनाया जाएगा। गांधी जी ने सलाह दी कि यह संदेश देश के हर शहर हर गांव तक पहुंचाया जाए तय हुआ कि 26 जनवरी को पूरे देश में समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय झंडा फहराकर की जाए दिन का बाकी समय रचनात्मक कार्यों में बिताया जाए लोग सफाई करें चरखा चलाएं अछूत माने जाने वाले लोगों के साथ बैठे और उनकी सेवा कर उन्हें भी भारत का सम्मानित नागरिक होने का मान दें। संदेश देश में आग की तरह फैल गया 26 जनवरी 1930 को लोग अपने गांव, शहर कस्बों में घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा हुए देशवासियों की झटपटाहट और गजब का उत्साह देख अंग्रेज चौंक गए हर जगह लोगों की अपार भीड़ बिना शोर हिंसा या हृदंग के शांतिपूर्वक एकत्र हुई गांवों शहरों एवं आजादी के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित करने की होड़ लग गई 1930 के बाद आजादी मिलने पर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे ठीक है फ्रेंड्स ये था कारण ठीक है इसलिए 1930 को पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और 1947 तक यानी कि 1947 को भी 26 जनवरी 1947 को भी उन्होंने क्या बनाया था स्वतंत्रता दिवस लेकिन भारत को जब पूर्णतः आजादी मिल गई तब से हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस कब न मनाना शुरू कर दिया दोस्तों पंद्रह अगस्त को ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी ठीक है चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं मैंने बोला है समय बर्बाद नहीं करेंगे फटाफट फटाफट क्वेश्चन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके हम चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय होने पर गर्व महसूस करें गर्व से दावा करें कि मैं एक भारतीय हूं प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है यह किसकी उक्ति है तो आंसर है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी ठीक है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था भारतीय होने पर गर्व महसूस करें गर्व से दावा करें कि मैं भारतीय हूं प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है यह किसने कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अगला देखते हैं अगला है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वेद युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है तो आंसर है दोस्तों ऋग्वेद ठीक है आप जानते ही हैं कि कितने वेद हैं चार वेद होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद तो ऋग्वेद के लिए क्या था क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वेदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई थी तो आंसर है ऋग्वेद अगला दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन लाया हूं मैं दोस्तों आपके लिए जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की थी तो अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है दोस्तों वहां पे एग्जाम में एक चीज मैं बता दूं जय हिंद जो नारा है वो किसने बनाया आबिद हसन सफरानी ने लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज बनाई थी तो उधर नारा क्या दिया था जय हिंद तो सबसे पहले जो नारे लगे थे वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लगाए गए थे लेकिन ये लाया कौन था आबिद हसन सफरानी ठीक है फ्रेंड्स तो अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन में इन दोनों नामों में से कोई एक नाम होगा वैसे तो सुभाष चंद्र बोस का ही कहा जाता है दोस्तों हमेशा कि जय हिंद का नारे की शुरुआत किसने की थी तो आपका आंसर क्या लगा देंगे आप सुभाष चंद्र बोस अगला सवाल वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था तो फ्रेंड्स चांदी सोना लोहा तांबा बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि वैदिक युग यानी कि सबसे पहला युग जो था वो था ताम्रयुग ताम्रयुग यानी कि तांबा तांबे की खोज की गई थी इसलिए उस युग का नाम ताम्रयुग रखा गया था तो सबसे पहले जो धातु यूज की गई थी वो थी तांबा ठीक है फ्रेंड्स अगला किसने कहा बंगाल की एकता एक शक्ति है बंगाल के विभाजन से कई भिन्न राहें दम तोड़ देंगी डफरिन कर्जन हॉर्डिंग या रिसले किसने कहा था तो आपका आंसर हो जाएगा कर्जन ठीक है फ्रेंड्स कर्जन ने लॉर्ड कर्जन है ना वॉयस राय थे ये भारत के तो आ, उस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था बंगाल का विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बंगाल का विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 में ठीक है फ्रेंड्स 19 जुलाई 1905 में तो करजन ने क्या कहा था बंगाल की एकता एक शक्ति है बंगाल के विभाजन से कई भिन्न राहें दम तोड़ देंगी अगला सवाल आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्स मूलर मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था दोस्तों आर्य आर्य आप लोगों को पता है ना कहां से आए थे मध्य एशिया से भारत की तरफ आए थे ठीक है सभी जानते हैं चलिए आगे देखते हैं भगवान बुद्ध ने प्राण कहां त्यागे ये सभी बता सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं बता पाएगा कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपने प्राण कहां त्यागे थे सभी ने बुद्ध के बारे में काफी पढ़ के रखा हुआ दोस्तों तो आंसर है कुशीनगर अगला सवाल बुद्ध किस वंश से संबंधित थे यात्री मौर्य शाक्य या कुरु तो आपका आंसर है शाक्य ठीक है बुद्ध धर्म बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के थे ठीक है अगला बुद्ध का अर्थ क्या होता है सभी थोड़े हो सकता है कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन दोस्तों ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ही नहीं बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान यानी कि आंसर है पहला वाला ज्ञान प्राप्ति ठीक है दोस्तों ज्ञान प्राप्त ठीक है अगला देखते हैं निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो उपनिषद वेद त्रिपिटक या जातक तो निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों त्रिपिटक अगला अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी तो आप बताएं कि दोस्तों अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी पाडलिपुत्र मगध कलिंग सारनाथ इसका आंसर है फ्रेंड्स पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र को आप आज की तारीख में पटना के नाम से जानते हैं जो कि बिहार की राजधानी है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है दोस्तों बुद्ध के साथ जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं उनको एक चिन्ह दिया गया जिसमें से कि एक है बुल बुल यानी सांड है ना अब इनका जो बुल जो साइन है ये इनके जन्म के साथ में संबंधित है ठीक है इनके जन्म को क्या सिंबल दिया गया है बुल आगे देखते हैं बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था प्रबोध का मतलब होता था दोस्तों की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी बोध गया में ठीक है सभी जानते हैं अगला देखते हैं तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है जैन बौद्ध हिंदू या ईसाई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म अगला देखते हैं जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे ये तो सब जानते हैं ऐसा क्वेश्चन है ये कि ये ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं होगी जिसमें क्वेश्चन कभी पूछा ना गया हो जैनियों के पहले तीर्थंकर हैं ऋषि भदेव ठीक है ना ऋषि भदेव और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है अगला है महावीर की माता कौन थी महावीर की माता कौन थी दोस्तों यशोदा थी अनोजा थी त्रिशला थी या फिर देवानंदी थी आप बताइए इसमें से आंसर क्या होगा इसमें तो इसका आंसर है फ्रेंड्स त्रिशला महावीर की माता का नाम है त्रिशला अगला देखते हैं सिकंदर महान का शिक्षक कौन था सिकंदर महान का शिक्षक कौन था डेरियस सॉरी फ्रेंड्स तो यह आंसर नहीं है डेरियस साइरस सुकरात या अरस्तु इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िएगा सिकंदर महान का शिक्षक कौन था अरस्तु था अरस्तु ठीक है अगला देखते हैं में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतिहास के हिसाब से बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है यह कि, कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या की थी वो है अजात शत्रु ठीक है तीन सौ ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी किस चीज मतलब कहां पर हुई थी दोस्तों फारस में हुई थी मेसिडोनिया में हुई थी बेबीलोन में हुई थी या तक्षशिला में हुई थी आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है तो आपका आंसर है दोस्तों बेबीलोन और जो बेबीलोन है वो आज की तारीख में दोस्तों इराक में है इराक देश में है बेबीलोन ठीक है बेबीलोन शहर है जो कि इराक देश में है और सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी बेबीलोन में हुई थी आगे देखते हैं हेरोडोटस को माना जाता है क्या माना जाता है फ्रेंड्स इतिहास का जनक भूगोल का जनक राजनीति शास्त्र का जनक या फिर दर्शन शास्त्र का जनक तो आंसर है दोस्तों इतिहास का, का जनक इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को आगे देखते हैं अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन केंद्रीकृत एकाधिपत्य प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या फिर निर्देशित लोकतंत्र आंसर है दोस्तों केंद्रीकृत एकाधिपत्य ठीक है आगे देखते हैं अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था दोस्तों अशोक का कैसे मन बदला और इतना उसमें परिवर्तन कैसे आया ये हुआ था दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद में ठीक है कलिंग युद्ध के बाद में अशोक में काफी परिवर्तन आ गया था निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है प्राचीनतम दोस्तों यानी कि सबसे पुराना मौर्य गुप्त कुशाण या कर्ण तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पुराना है मौर्य ठीक है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है मौर्य वंश अगला है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम, देवा नाम प्रियदर्शी था आंसर है मौर्य राजा अशोक अशोक का नाम क्या था दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी यह क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जाने लग गया है फ्रेंड्स इसलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अगला अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद में जब उन्होंने इतनी सारे जो लोगों की लाशें देखी सब कुछ देखा तो उनका मन जो था वो बहुत उदास हुआ इस वजह से उनके बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आया उसके बाद वो एक बौद्ध जो साधु थे उनसे मिले और उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो कौन थे दोस्तों वो उपगुप्त थे ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था वो थे उपगुप्त अगला है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था कनिष्क विक्रमादित्य समुद्रगुप्त या अशोक तो आंसर है दोस्तों कनिष्क भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था अगला है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया कनिष्क अशोक हर्ष या फाह तो आंसर है दोस्तों कनिष्क भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क द्वारा आरंभ कराया गया था अगला है स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित थे रामकृष्ण मिशन ब्रह्म समाज आर्य समाज या प्रार्थना समाज तो आपका आंसर है दोस्तों रामकृष्ण मिशन क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ अकबर बाबर हुमायूं जहांगीर ये क्वेश्चन नया है फ्रेंड्स तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ठीक है तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था तो आंसर है दोस्तों जहांगीर ठीक है अगला गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसका रूप ग्रहण कर सकता है बल प्रयोग सविनय अवज्ञा हिंसक हड़ताल या क्रांति तो आंसर है दोस्तों क्रांति महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जो है वो क्रांति का रूप ग्रहण कर सकता है नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ी संख्या में रोमन सिक्के कहां से मिले हैं केरल तमिलनाडु केरल और तमिलनाडु दोनों से या पश्चिम बंगाल से तो आंसर है दोस्तों केरल और तमिलनाडु दोनों से ही सबसे बड़ी संख्या में क्या प्राप्त हुए हैं रोमन सिक्के अगला है कनिष्क की राजधानी कौन सी थी तो कनिष्क की राजधानी दोस्तों कौन सी थी पुरुषपुर थी मथुरा थी तक्षशिला थी या पाटलिपुत्र थी तो आंसर है दोस्तों पुरुषपुर और पुरुषपुर को पेशावर के नाम से भी जाना जाता है और पेशावर कहां पर होगा आप जानते हैं दोस्तों पाकिस्तान अगला देखते हैं सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी वशिष्ठ पुत्र पुलुपावी यज्ञ श्री सातकर्णी बताइए दोस्तों किसे माना जाता है तो आंसर है दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है सातवाहन वंश का दोस्तों अभी अगर हम राज्य के हिसाब से बात करें तो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य और जो तेलंगाना अभी अलग हुआ है तो वहां पर इनका शासन था ठीक है आगे देखते दोस्तों किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी सातवाहन मौर्य गुप्त या चोल तो आंसर है फ्रेंड्स सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई कुषाण यूनानी शक या पार्थियन तो आंसर है दोस्तों कुषाण भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने चलाई थी अगला है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन सा था श्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त प्रथम तो दोस्तों इसका आंसर है श्रीगुप्त पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था दोस्तों सॉरी ज्ञात गुप्त शासक कौन सा था दोस्तों श्रीगुप्त अगला देखते हैं अगला है गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे दिनार रूपयक शतमान या फिर कर्षापण तो आंसर है दोस्तों रुपयक गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे नेक्स्ट है फाहयान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त रामगुप्त या कुमार गुप्त आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय फाहयान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य की रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है धम्मपद वेद मेघदूतम या दीर्घ निकाय आंसर है दोस्तों मेघदूतम मेघदूतम साहित्य की रचना है जो कि शास्त्रीय संगीत साहित्य से संबंधित है अगला है अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है रामायण महाभारत जातक या फिर पंचतंत्र तो अजंता की चित्रकार मालूम है तो दोस्तों आप लोगों को कि अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है महाराष्ट्र में है ना और उसमें जो है वो पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि अजंता की जो चित्रकारी है उसमें क्या निरूपित किया गया है तो आंसर है जातक ठीक है जातक कथाएं हैं दोस्तों आप जानते होंगे ठीक है उसका ही चित्रकारिता में एक वर्णन किया गया है अजंता की गुफाओं में ठीक है नेक्स्ट अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित तो में से किससे संबंधित है जैन धर्म बौद्ध धर्म वैष्णव मत या शैव मत तो आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राज जो चोल राजा था दोस्तों वो कौन था ये आपको बताना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजराजा चोल थे महेंद्र थे राजेंद्र जो चोल थे या फिर पारंतक थे बताइए कौन थे तो आंसर है दोस्तों राजेंद्र चोल ने गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा थे ठीक है अगला चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी त्याग समुद्र गंगे कौंड मुंडी या फिर पंडित चोल तो आंसर है दोस्तों त्याग समुद्र ये वाली पदवी इन्होंने धारण नहीं की थी लेकिन बाकी सारी की थी तो यह आपको याद रखना होगा दोस्तों कि कौन कौन सी की थी तो कौन कौन सी की थी गंगे मुंडी और पंडित चोल की इन्होंने जो पदवी थी वो धारण की हुई थी किसने चोल राजा राजेंद्र ने अगला देखते हैं फ्रेंड्स एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किन किन के हैं हिंदू और बौद्ध के हैं बौद्ध और जैन के हैं हिंदू और जैन के हैं या हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हैं तो दोस्तों आंसर है हिंदू बौद्ध और जैन एलोरा में गुफाएं और शैलचित्र मंदिर जो है शैलकृत मंदिर जो है वो तीनों के लिए हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं अगला सवाल है महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं पल्लवों पांड्यों चोलों या चेरों तो आपका आंसर है दोस्तों पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं नेक्स्ट चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था जैन धर्म को बौद्ध धर्म को शैव धर्म को या वैष्णव धर्म को तो आपका आंसर है फ्रेंड्स धर्म, ठीक है? चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की राजराज प्रथम राजेंद्र प्रथम राजाधिराज प्रथम या फिर कुलोतुंग प्रथम तो दोस्तों इसका आंसर है राज प्रथम राज प्रथम ऐसे प्रथम भारतीय शासक थे जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी अगला निम्नोक्त महान संगीत रचियताओं में से कौन सा राज राज्य का शासक था त्यागराज श्यामा शास्त्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर स्वाति तिरुनाल तो इसका आंसर है दोस्तों स्वाति तिरुनाल अगला सवाल है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं कि कोई सा भी वंश होता है तो उसमें एक चीज पूछी जाती है कि उस वहां का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था चोल का पूछ लेंगे चालुक्य का पूछ लेंगे हर जितने भी वंश होते का पूछेंगे उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते इसलिए आप लोगों को मैंने रोक के बता दिया चलिए फ्रेंड्स तो इसका आंसर बताइए कौन है तो इसका आंसर है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय थे अगला कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया करा था यह सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एलोरा मंदिरों के निर्माण किसने करवाया था तो किसने करवाया था चालुक्य ने करवाया था शुंग ने करवाया था राष्ट्रकूट ने ने करवाया करवाया था था या पल्लवों तो आंसर है दोस्तों राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया था अगला है उत्तर गुप्त युग में डैश विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था कौन सा कांची तक्षशिला नालंदा या वल्लभी तो आंसर है दोस्तों नालंदा उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे तो इससे दो क्वेश्चन बन गए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया कि बाण भट्ट जो थे वो कवि थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट क्या थे तो दोस्तों कवि थे अब इसमें क्वेश्चन पूछा किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे तो आंसर है दोस्तों हर्षवर्धन हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों कौन बांड अगला देखते हैं अगला है यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी द्वार समुद्र वारंगल कल्याणी या देवगिरी आंसर है देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी जो थी वो देवगिरी थी खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये देखो फ्रेंड्स मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये हर एग्जाम में रिपीट होता है एस हो रेलवे हो स्टेट गवर्नमेंट हो कोई सी भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इनके आने की संभावना भी सबसे ज्यादा है तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब आप लोगों को, को इतिहास का नॉलेज कम है फ्रेंड्स तो आप इतिहास जरूर पढ़िए आंसर है चंदेल राजपूतों ने करवाया था खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया था अगला है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था तो इसका आंसर है फ्रेंड्स उस्ताद ईसा खां उस्ताद ईसा खां ने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी अब एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार की थी यह क्वेश्चन पूछा गया ठीक है क्वेश्चन पर ध्यान दे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है नहीं तो यहां पर पता चला आप शाहजहां लिख दे कि ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने तो आप शाहजहां टिक कर दो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ो कि डिजाइन किसने तैयार की थी डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति था उस्ताद ईसा खां अगला है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है बंगाल बिहार ओडिशा या उत्तर प्रदेश तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है फ्रेंड्स बिहार में है नेक्स्ट हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था यानी कि किसने हराया था दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने हराया था पुलकेशन द्वितीय ने नरसिंह वर्मा पल्लव ने या फिर शशांक ने तो आंसर है पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को हराने वाला राजा था पुलकेशन द्वितीय सात सौ अड़तीस ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था सेवन थर्टी एट ईसवी है ना किसने किया था दोस्तों कोई बता सकता है प्रतिहारों ने किया था राजकूटों ने करवाया था या फिर पवल्लो ने या फिर चालु क्यों आंसर है तो दोस्तों प्रतिहार वंशों के ने जो राजा थे उन्होंने अरबों को पराजित किया था सात ईस्वी में अगला सवाल निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया जाए मतलब किसने क्या किया था तो पहला है सुल्तान महमूद इन्होंने क्या किया था कोई बता सकेगा और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही है ठीक है क्या सुल्तान महमूद ने सोमनाथ को लूटा था क्या मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी क्या अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल में विद्रोह किया था क्या मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण सहन नहीं कर पाए थे तो कौन सा है दोस्तों आप ये बताएंगे तो आंसर है केवल एक ही सही है दोस्तों मैं सुल्तान महमूद गजनी गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था ये सभी जानते हैं दो बार लूटा था सोमनाथ मंदिर को ठीक है किसने सुल्तान महमूद गजनी ने गजनवी अगला देखते हैं अब अगला आपको है ना घटना क्रम के अनुसार जमाना है कि पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ था फिर उसके बाद ठीक है तो आप आप लोग पहले मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ था रोमन कोलोसियम का पूरा होना पीटर महान रूस का जार बनना बना तो बताइए दोस्तों इसमें से पहले क्या हुआ दूसरा कौन सा हुआ ये कोई भी नहीं बता पाएगा मेरे ख्याल से तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर है पहला वाला यानी कि पहले हुआ था रोमन कोलोसियम का पूरा होना फिर हुआ था भारत में गुप्त राजवंश का उदय फिर हुआ था मोहम्मद पैगंबर का उदय जन्म हुआ था दो सॉरी और उसके बाद में लास्ट में हुआ था पीटर महान या रूस पीटर महान रूस का जार बना ठीक है अब अगला देखते हैं निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार रखें अब इसको भी आपको कालक्रम के का अनुसार रखना है कि कौन सा वंश कब आया था यानी कि पहला कौन सा आया था फिर दूसरा कौन सा आया था तो आप कोई बता सकता है कि कौन पहले आया था तुगलक लोदी सैयद इलबारी खिलजी अब आपको इनको लाइन वाइज जमाना है तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं आंसर है दोस्तों डी यानी कि सबसे पहला वंश आया था इलबारी वंश फिर खिलजी वंश फिर तुगलक वंश फिर सैयद और फिर आए थे लोधी ठीक है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीधे सीधे आप लोग इसको लाइन से पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं जाएगी और ये एग्जाम में एज इट इज आएंगे दिल्ली में दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे मंगोल थे अफगान थे तुर्क थे या एक जाट कबीला आंसर था दोस्तों तुर्क दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे तुर्क लोग थे ठीक है अगला मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था दोस्तों आपको पहले मैं बता देता हूं जो मदुरई है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है और मदुरई का सबसे फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है ठीक है अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था तो इसका आंसर है दोस्तों मलिक काफूर मलिक काफूर जो था वो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था निपुण का मतलब क्या होता है दोस्तों निपुण का मतलब होता है किसी भी कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से उस चीज का ज्ञान होना ठीक है तो मोहम्मद बिन तुगलक निपुण थे किस में थे कला में थे संगीत में थे सुलेखन में थे या दर्शन में थे तो दोस्तों आंसर है दर्शन ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण थे दर्शन में अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये उपासना भवन क्या होता है नहीं तो आप लोग उपासना भवन से क्या पहुंच जाएंगे उपास पे पहुंच जाएंगे ठीक है उपास नहीं है दोस्तों ये उपासना भवन क्या है उपासना भवन है पूजा ग्रह ठीक है इबादत खाना उस समय जो बोलते थे इबादत यानी कि पूजा ग्रह इसमें अकबर ने क्या किया था दोस्तों सभी धर्मों के जो शिक्षक थे जो उनको बढ़ावा देते थे अपने अपने धर्मों को तो उन लोगों को बुलाया गया था ताकि जो शिक्षा का क्षेत्र था उसको बढ़ाया जा सके उसका उद्देश्य यही था दोस्तों उपासना भवन बनाने का ठीक है तो उपासना भवन का क्या नाम रखा गया था दोस्तों तो रखा गया था दीवाने खास दीवाने खास ठीक दोस्तो, है दोस्तों दीवाने खास बोलते हैं इसको अकबर द्वारा बनाए उपासना भवन का क्या नाम रखा गया था दीवाने खास आगे देखते हैं भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी आप सभी जानते हैं कि मुगल जो स्थापना थी वो जो मुगल साम्राज्य था वो किसने स्थापित किया था बाबर ने ठीक है आपका आंसर है दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी जो कि बाबर ने की थी इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था इलतुतमेश अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक इबन बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे अगला है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था मौर्य गुप्त कुषाण या पाल तो आपका आंसर है दोस्तों गुप्त वंश नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था नेक्स्ट लोदी वंश की स्थापना किसने की थी इब्राहिम सिकंदर बहलोल या खान किसने की थी फ्रेंड्स तो आंसर है बहलोल लोदी. ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम रिपीट हो चुका है अगला अब मैं क्या है दोस्तों मैं हर क्वेश्चन में यह नहीं बोल सकता कि हर टाइम रिपीट होता है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया इसलिए हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हर बार रिपीट हुए हैं हर साल जितनी एग्जाम्स होती हैं किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं अगला देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सुल्तानों की राजभाषा क्या थी फारसी उर्दू अरबी या हिंदी अब आप सोचेंगे सुल्तान सुल्तान यानी मुगल मुगल से आप लगा देंगे उर्दू उर्दू गलत है दोस्तों आंसर है फारसी सुल्तानों की राजभाषा थी फारसी ठीक है तो आप लोग बिल्कुल भी एक चीज का ध्यान रखिएगा तो कब मत लगाइएगा वहां पर कोशिश कीजिए कि आप पढ़ के जा सके सारी चीजें ठीक है थीके? सुल्तानों की राजभाषा क्या थी फारसी थी नेक्स्ट अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे और क्या क्या थे दोस्तों ये पूछा गया है सूफी संत थे फारसी तथा हिंदी का लेख और विद्वान थे इतिहासकार थे या फिर सभी तो दोस्तों आमिर खुसरो संगीतज्ञ तो थे ही साथ में सूफी संत भी थे फारसी और हिंदी के लेखक भी थे और विद्वान भी थे इसी के साथ में दोस्तों वो इतिहासकारक भी थे ठीक है अगला देखते हैं अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा बहाउदीन तो आंसर है फ्रेंड्स मोइनुद्दीन चिश्ती की यहां पर दरगाह है कहां पर अजमेर अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की नेक्स्ट देखें तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस लालू प्रसाद यादव या जयप्रकाश नारायण तो आंसर है फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था नेक्स्ट सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें अब आपको बताना दोस्तों कि जो मिलान है जो सिलसिले हुए उनके लाइन से जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया ये किससे संबंधित थे बहाउद्दीन जकारिया मिया मीर या अहमद सर हिंदी ये मेरे ख्याल से लगभग आप आधे नाम आधे से ज्यादा नाम पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स जो कि बच्चे छोड़ देते हैं आंसर है दोस्तों बी यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो चिश्तिया से संबंधित हैं बहाउद्दीन जकारिया जो हैं वो सुहरावर्दी से मिया मीर जो हैं वो कादिरी से और अहमद सर हिंदी जो हैं वो आखिरी बचे नक्शबंदी से ठीक है फ्रेंड्स इसको आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप एग्जाम सेंटर पर बैठ के भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सकें अगला क्वेश्चन है सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है मियाँ तानसेन बैजू बावरा अमीर खुसरो या बड़े गुलाम अली खां तो आंसर है आमिर खुसरो को सहतारा यानी सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है अमीर खुसरो को अगला देखते हैं विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसके लिए प्रोत्साहित किया था दोस्तों हिंदी मराठी और संस्कृत को मलयालम हिंदी संस्कृत को तमिल तेलुगु संस्कृत को तेलुगु उर्दू संस्कृत को किसको सबसे ज्यादा उन्होंने प्रोत्साहित किया था विजयनगर विजयनगर दोस्तों इन्होंने सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया था शासकों ने तमिल तेलुगू और संस्कृत को ठीक है विजयनगर के शासकों ने सबसे ज्यादा तमिल तेलुगु और संस्कृत इनको प्रोत्साहित किया था नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं चंद्रगिरी हलेबिंदु हले हम्पी या कोडा दोस्तों हम्पी ठीक विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहते हैं और हम्पी जो है दोस्तों यह कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है आपको हम्पी के नाम से काफी सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर ठीक है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहा जा रहा है हम्पी और हम्पी किस राज्य के, के अंदर आता है कर्नाटक कर्नाटक की राजधानी क्या है बेंगलुरु ठीक है नेक्स्ट भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया आचार्य विनोबा भावे किसने किया था दोस्तों भूदान और ग्राम दान आंसर है आचार्य विनोबा भावे भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन जो है वो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था ठीक है अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इस चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है आप लोग प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़िया कीजिए ठीक है पहला भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था देखते दोस्तों कि कौन सा गलत है ना अपन देखते जाते ये तो सही है पहला वाला कि भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे तो ये भी सही है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे महात्मा गांधी थे गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल बाबा हर हरनाम सिंह और कौन थे दोस्तों तुंडिताल तुंडिलात ये सही है गलत क्या है गलत है ये पीट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जो थे वो लॉर्ड मिंटो नहीं थे ठीक है बंगाल का गवर्नर पीट्स इंडिया अधिनियम पारित होने पर लॉर्ड मिंटो नहीं थे ठीक है अगला सवाल चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था तो आंसर है राणा कुंभा ने ठीक है दोस्तों राणा कुंभा ने क्या बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ स्तंभ अगला सवाल विजय की स्थित है दिल्ली झांसी चित्तौड़गढ़ या फतेहपुर सिकरी ये तो दोस्तों आप ऑप्शन देखते ही लगा दोगे कि विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है अगला सवाल सुविख्यात कोहिनो हीरा किस खान से निकाला गया था ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया था किस खान से निकाला गया था ओडिशा छोटा नागपुर बीजापुर या गोलकुंडा दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर है गोलकुंडा क्योंकि कोहिनूर हीरा पूरे विश्व में एक ही है दोस्तों सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था तो आंसर है गोलकुंडा की खदानों से नेक्स्ट बाबर की मृत्यु कहां हुई थी आगरा काबुल लाहौर या दिल्ली तो इसका आंसर है दोस्तों आगरा फ्रेंड्स uh, मुगल काल से संबंधित जितने भी शासक हैं बाबर अकबर शाहजहां जाह, जहांगीर औरंगजेब जितने भी शासक हैं इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लें और बाबर के बारे में तो बिल्कुल आगरा में हुई थी क्यों क्योंकि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी बाबर ने की थी ठीक है अगला क्वेश्चन आईने अकबरी पुस्तक क्या लेखक कौन है अकबर अबुल फजल फिर जहांगीर तो आंसर है दोस्तों अबुल फजल अब दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर लेखक की बात अकबर के साथ में क्यों नहीं की जा सकती क्योंकि अकबर जो था वो अनपढ़ था ठीक है दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा एक बार क्वेश्चन ये तक पूछ लिया गया था कि इनमें से अनपढ़ कौन है ये एस एस सी का क्वेश्चन था दोस्तों अन, अनपढ़ कौन है उसका आंसर था अकबर ठीक है तो लेखक से संबंधित तो कहीं से कहीं तक अकबर हो नहीं सकते इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों आई ने अकबरी किसने लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी अगला सवाल मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी अगला अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था अब ये बताने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है तो आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है राम तनु पांडे ये सभी को पता होगा जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है कि जो संगीतज्ञ है तानसेन उनका मूल नाम था राम तनु पांडे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था यही दोस्तों जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था यानी कि अनपढ़ था तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा अकबर ठीक है अगला मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी तो आंसर है जहांगीर ठीक है अगला विश्व प्रसिद्ध तख्ते हाउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था तो आपके पास चार ऑप्शन भी हैं दोस्तों ठीक है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं तो जो तख्ते हाउस रखा गया था वो रखा गया था दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम में ठीक है अगला निम्नलिखित मुगल भवनों में से किस में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है आंसर है ताजमहल ताजमहल एक ऐसा मुगल भवन है दोस्तों जो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है मतलब क्या स्क्वायर शेप में है ठीक है अगला देखते हैं ताजमहल ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है ठीक तो है तो अपन देखते हैं यह एक भव्य मकबरा है तो दोस्तों बिल्कुल सही है यह मकबरा है मकबरा किसका है दोस्तों आप सभी जानते हैं बिल्कुल बताइए किसका है मुमताज का ठीक है अगला इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था बिल्कुल सही है यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है यह भी बिल्कुल सही है लेकिन यह गलत हो जाएगा कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था यह तो उल्टा है दोस्तों जिन्होंने बनाया था उनके हाथ ही काट दिए गए थे ठीक है यह बात आप सभी जानते होंगे तो चलिए अगला देखते क्वेश्चन शिवाजी का गुरु कौन था शिवाजी का गुरु कौन थे नामदेव रामदास एक या कार आंसर है रामदास शिवाजी के गुरु कौन थे रामदास थे अगला है शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं पेशवा सचिव मंत्री या सामंत तो आंसर है दोस्तों पेशवा शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे अगला है और लास्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था दोस्तों किस ईस्वी में हुआ था ये आप होमवर्क में मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में नीचे दोस्तों कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था यानी कि शिवाजी जो थे वो कब राजा बने थे यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारा सौवा क्वेश्चन और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में सौवें क्वेश्चन का आंसर बताइए कि उसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर जो है मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा और अभी तक जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में जय श्री महाकाल